लिखते हैं, डेफिनेट गोल्स लिखते हैं, तो देखा कि केवल 3% लोग लिखते हैं, 97% लोगों ने ड्रीम्स या गोल लिखे ही नहीं जिंदगी में। और जब 20-25 साल के बाद में उन लोगों का सर्वे किया गया कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ ये 2 या 3% लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अपनी लाइफ में कर रहे थे, बाकी लोग अपने जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे थे, टेंशन में, बीमारियों में, बीपी और डायबिटीज की बीमारियों से जूझ रहे थे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एट ऑल। कारण, उन्होंने अपने आप को एक डेफिनेट डायरेक्शन ही नहीं दी, उन्होंने कोई दिशा चुनी ही नहीं। आपने ट्रेन में बैठ गए लेकिन कोई टिकट कहीं की ली नहीं है, तो आप जाओगे कहां? वो तो ट्रेन जहां ले जाएगी वहीं जाओगे ना, और वो ट्रेन आपको ले जा रही है लखनऊ, आपको जाना था दिल्ली, तो दिल्ली की ट्रेन में दिल्ली की टिकट लेकर बैठना था आगरा से, लखनऊ वाली में नहीं बैठना था। तो जब आपने अपने लिए कोई सपना ही नहीं चुना, कोई सपना ही नहीं बनाया, तो जाओगे कहां? तो इसीलिए अपनी जिंदगी में लिखे हुए गोल्स, ड्रीम्स लिखें, और ड्रीम्स के बिना दोस्तों जिंदगी नहीं है। यकीन मान लीजिए, हम इंसानों को ये धर्म, ये जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम मानव जीवन में लोगों के लिए, ये जो हमारे साथ के सह जीवी हैं हमारे, उन सब लोगों के लिए हम कुछ बढ़िया सा कर जाएं, हम इस धरती पर अपने जीवन को सफल कर जाएं, परिवार पालें और कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल छोड़कर जाएं, तो ही ये मानव जीवन सफल है, चाहे इसको आध्यात्मिक रूप से कह लीजिए या प्रोफेशनल तरीके से कह लीजिए। आपके शरीर की भूख लगती है, जब शरीर को क्या खाते हैं आप? खाना। मन को भूख लगती है तो आपको क्या खाना चाहिए? पीसफुल थॉट्स। आपके मन को जरूरत है मेडिटेशन की, शांत, एकांत, शांत जगह की, बौद्धिक मनन की, चिंतन की। और आपकी आत्मा को भूख लगती है तब क्या करना चाहिए? कोई जानता है? कोई जानता है कि आपकी आत्मा को जब भूख लगे तो आपको क्या करना चाहिए? 3 तरह की भूख से ग्रसित है जी। माइक,